गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे बेटा जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन का उर्दू बी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ना मिड टर्म एग्जामिनेशन का अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो पुराना है बाईस तेईस का है तो बेटा इस बार गवर्नमेंट ने इसको ही रिवाइज किया है बाईस तेईस को ही तो हम इसे ही डिस्कस कर लेंगे तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पे आपके मार्क्स जो रहने वाले हैं वो एटी रहने वाले हैं तीन घंटे का आपका टाइम रहने वाला है ठीक है तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको आम हिदायत दी गई है कि भाई इसमें चौदह सवाल हैं उन सबको आप देख लीजिए पहले एक बार के चौदह हैं या नहीं ठीक है और उसके बाद जो जैसा कहा गया है उसी हिसाब से आपको देना है आंसर्स अब पहला सवाल देखिए यहाँ लिखा है दर्जी गैर दर्जी नसली अकतेबाज को पढ़ना है और उसमें जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब आपको लिखने हैं मेरे ख्याल में पांच सवाल होंगे एक एक नंबर का एक सवाल होगा और आपको पांच नंबर मिलेंगे तो इन सवालों को करने के लिए बेटा सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप इस अकतेबास को ग़ौर से पढ़िए और उसका जवाब दीजिए ठीक है चलिए तो पढ़ लेते हैं इसको रविंद्र नाथ टाइगोर सात मई उन्नीस को कलकत्ता में पैदा हुए आपके वाले महारिषि एक सूफ़ी मुंशी बुजुर्ग थे उनकी सारी ज़िंदगी ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में गुजरी अपने ज़माने के मशहूर आलिम थे बंगाली संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू फारसी जबान भी अच्छी खासी जानते थे सच्चे देशभक्त थे और शब और रोज़ मुल्क की बहबूदगी की फ़िक्र में लगे रहते थे है ना आगे देखिए क्या लिखते हैं टैगोर के ख़ानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत इसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहजीब और तमदन को फ़र्ख रहा सुबह सवेरे उठना मुँह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुंच जाना अखाड़े से निकलते ही स्कूल चले जाना तमाम दिन स्कूल में गुजर कर सहपेहर को जब ये बच्चे वापस आते थे तो घर पर पढ़ने घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता था और रात में नौ बजे उन्हें कैदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता था टाइगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे मगर उस ख़ानदान में अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था बच्चों के लिए ना तो कीमती कपड़ों का अहमाम था ना अच्छे अच्छे आ, मुर्ग खानों का ना ऐशो आराम का वो तमाम सामान फराम किया गया था जिसने आज की नस्लों को बर्बाद कर दिया है खुद टाइगर मामूली कमीज और पजामा पहनते थे आमतौर पर स्लीपरों का जोड़ा मिला करता था घर पर ज़्यादातर नंगे पाँव रहते थे तो देखिए बेटा ये बिल्कुल सही बात है बच्चों को आप जितना ऐश व आराम देते चले जाते हैं ना वो उतने काहिल और आराम पसंद होते चले जाते हैं है ना पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था आज हर काम मम्मी पापा कर देते हैं और हम लोग से कोई काम नहीं कराया जाता है पहले ऐसा नहीं है मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल नौकर बना के रखना चाहिए लेकिन बेटा ये हकीकत है कि जब हम बच्चों को ज़्यादा आराम देने लगते हैं ना तो वो आराम तलब हो जाते हैं अब देखिए यहाँ लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ पैदा हुए थे तो आपको पता है वो कलकत्ता में पैदा हुए थे आगे आ जाइए रविंद्रनाथ टैगोर के वालिद की ज़िंदगी किस तरह के कामों में बसर हुई तो वो किसमें है ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में रविंद्रनाथ टैगोर किस तरह का लिबास पहनते थे तो आपको पता है मामूली कमीज़ और पजामा बेटा देखिए कल भी बच्चों ने कमेंट करके ये बात पूछी है कि मैम ये सैम्पल पेपर ही बस हम याद कर लें और काम ख़त्म हो जाएगा तो बेटा सैम्पल पेपर सिर्फ आपको हिंड के लिए दिया जाता है कि आपके किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं राइट तो और ये देखने के लिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है ठीक है ये एक तरह से प्रैक्टिस पेपर होता है इसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे ये कोई नहीं कह सकता इनफैक्ट मैंने देखा है एक आध क्वेश्चन ही रिपीट होता है वो भी जर्नली वरना तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होता है ठीक है बस ये है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितने आपके अकतेबास आ रहे हैं आपकी खत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और ऐसे वगैरह आ रहे हैं नहीं आ रहे सवाल कितने आ रहे हैं है ना बस आप इससे एक अंदाजा लगा सकते है। है। हैं पैटर्न यही रहेगा लेकिन क्वेश्चन ये रहेंगे ऐसा नहीं है ठीक है आगे आ जाइए बच्चों को रात रात नौ बजे किस तरह से सोने पर मजबूर किया जाता था तो आपको पता है कैदियों की तरह किया जाता था ऐश और आराम के सामान ने आज की नस्लों पर क्या असर डाला है तो उनको बर्बाद कर दिया है आगे आ जाइए अब देखिए अगला आपका गैर गैरदरसी ये शेरी अकतबास है इसे आपको पढ़ना है और इसमें जो सवाल दिए गए हैं उनका जवाब देने हैं तो अब देखिए लिखा है कितनी प्यारी पतंग है मेरी देख कर अकल दंग है मेरी कैसे खुश रंग रंग है इसके रंग क्या शोख व शंग है इसके आसमानों में जाके उड़ती है दौड़ती है अदा से मुड़ती है दौड़ भी का डोर भी काटेदार है इसकी मसलन तलवार धार है इसकी ठीक है आगे लिखा है ऊपर उठती है नीचे आती है दाएं और बाएं घूम जाती है ये किसकी बात हो रही है पतंग की बात हो रही है ठीक है आपने यहाँ लिखा है डोर किसकी धारदार है तो आपको पता है किसकी है पतंग की है और किस तरह से है तलवार की धार है ना आगे आ जाइए शायर ने किसके रंग को खुश आ, खुश रंग कहा है तो आपको पता है पतंग के रंग को कहा है पतंग को देखकर किसकी अकल दंग है तो यहाँ पे शायर की बात हो रही है तो शायर की ही अकल दंग है पतंग कहाँ उड़ती जाती है तो पतंग आसमानों में उड़ती है पतंग किस के सहारे ऊपर जाती है तो आपको पता है डोर के सहारे वो ऊपर जाती है तो इस तरह से अगर आपने सही से पढ़ लिया और आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो पाँच नंबर आपको सीधे हैं ठीक है आगे आ जाइए अब अगला सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जो आपको इनवानात हैं इनमें से किसी एक पर आपको मजमून लिखना है ठीक है योम आज़ादी या होली तो बेटा योम आज़ादी हो होली होद हो कोई भी तरह के मजमून हो वो सब हमारे चैनल पे अपलोड है मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई है एक में आपके मजमून है सारे और दूसरे में आपके लेटर और एप्लीकेशन्स हैं ठीक है तो आप जाके वो दोनों देख सकते हैं यहाँ देखिए ये यह आपका कामयाबी के बारे में बताना है या बहन की शादी में शिरकत के लिए प्रिंसिपल से आपको दरख्वास्त लिखनी है कि भाई छुट्टी दे दीजिए तो ये सारी एप्लीकेशंस और लेटर अपलोड है आप देखना चाहें तो देख सकते हैं

आगे आ जाइए यहाँ लिखा है तकलीफ़ की जमा क्या है तो तकलीफ़ की जमा क्या होगी तकालीफ ठीक है बीस का ऑप्शन हो जाएगा आगे आ जाइए ख्वाहिशात का वाहिद क्या होगा ख्वाहिश ठीक है आगे आ जाइए रघुपत सिंह अपने कॉल का पक्का था इस जुमले में रघुपत सिंह क्या है तो ये इस है किसी का नाम है ठीक है हकूक़ का वाहिद क्या है हक ठीक है आगे आ जाइए सत्यानाश का क्या मतलब है बर्बाद कर देना किसी चीज़ को नज्म हिंदू और मुसलमान के शायर कौन है तो ये आप लोग ज़रा एक बार देख लीजिएगा मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ ठीक है आगे लिखा है श्यामा किसकी बहन थी तो किसकी बहन थी केशव की बहन थी, थी? ठीक है आगे लिखा है हामिद किसके साथ चिड़ियाघर देखने गया था तो ये भी आप देख लीजिएगा कि हामिद किसके साथ गया था वालिद के साथ गया था गालिबा ठीक है मौला बख्श किसका नाम था तो मौला बख्श हाथी था ठीक है तो ये सब आप कर लेंगे अगले सवाल पे आ जाइए यहाँ पे अब आप आप आपको दर्जा ज़ेर नसरी अकतेबास दिया गया दर्जी है ये यानी दरसी है ये आपकी किताब से ही लिया गया है इसको आपको पढ़ना है और सही जवाब देने हैं अब देखिए ये अकतेबास आप लोग ख़ुद से पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी आगे आ जाइए यहाँ लिखा है दुकानदार पर कितने आदमियों ने हमला किया तो अब यहाँ आपको पढ़ना ही पड़ेगा ज़रा बताइए कितने आदमियों ने हमला किया था उसके ऊपर तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है छः आदमियों ने हमला किया था है ना तो यहाँ पे आप इस पर टिक कर लीजिए छः आदमियों पे वैसे ही आपको ख़ुद करना चाहिए क्योंकि आपकी किताब से है दुकानदार किस घर से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तो तिजारत के घर से जा रहा था बहुत दिनों पहले हर जगह कैसे लोग बसते थे तो कैसे लोग बसते थे यहाँ एक बार आप देख लीजिए ज़रा नेक लोग बसते थे ठीक है तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा नेक लोग बसते थे ये रहा अगले सवाल पर आ जाइए दुकानदार ने घोड़े घोड़ा किससे ख़रीदा था किससे खरीदा था घोड़ा दुकानदार दु, ने देखिए यहाँ लिखा है अरब से ख़रीदा था तो आप अरब पे टिक कर लीजिए क्योंकि घोड़े वैसे भी अरब के ही मशहूर होते हैं दौलतमंद दुकानदार कहाँ कहाँ रहने वाला था तो कहाँ कहाँ रहने वाला था आदिलाबाद का ठीक है आगे देखिए यहाँ पे फिर आपको एक शेरियत बाज़ दिया गया है इसको आपको पढ़ना है और इसमें जो पूछे गए सवाल हैं उनको जवाब देने हैं ठीक है सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है कोई गांव की लड़की गा रही है फज़ा पर बस्तियों पर जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है छमा छम चम मीना की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है हवा की सरसाहट है कि फ़ितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है ये घर ससुराल होगा शायद इसका जब ही माँ बाप की याद आ रही है जब ही मसरूफ़ है आओ फ़ा में जब ही गमकिन लय में गा रही है ठीक है अभी जो अशार हैं दर्ज बाला अशार किस नज़म से लिए गए हैं तो ये एक देहा लड़की के गीत से लिए गए हैं इसके बाद देखिए फ़जाओं पर बस्तियों पर जंगलों पर क्या छा रही है तो आपको पता है कि घटा छा रही है ठीक है बदली छा रही है आगे आ जाइए जब मीना की बूंदें पड़ रही हैं तो कैसी आवाज़ आ रही है छमा छम की आवाज़ आ रही है आ फ़गा से क्या मुराद है आ फ़गह का मतलब होता है दर्द दुख दर्द है ना लड़की को किसकी याद आ रही है तो लड़की को अपने माँ बाप की याद आ रही है ठीक है इस तरह से अब ये आपका होता है कंप्लीट अब नीचे आ जाइए सवाल नंबर आठ आपको दिया गया है इसमें आपको क्या करना है जो फ़िलअप है इनकी मदद से आपको जुमलों को पूरा करना है तो जल्दी जल जल्दी आप लोग इसे पूरा कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये नंबर वन टू थ्री फोर कहाँ कहाँ आएंगे ठीक है आगे देखिए हिदायत के मुताबिक आपको काम करना है के दो लफ्ज़ों के मुतजाद लिखने हैं है ना काम रानी का मतलब क्या होता है कामयाबी तो इसका क्या हो जाएगा सर बुलंद का मतलब क्या हो जाएगा और नुकसान का मतलब क्या है इनमें से किसी दो के आपको करने हैं जल्दी जल्दी करके मुझे बताइए ठीक है आगे आ जाइए यहाँ पर आपको मुहावरों का इस्तेमाल करना है ठीक है आग से ओझल होना दम रुकना और दरिया उतारना ठीक है आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ दो के मुजक्कर मुआनस बनाने हैं आपको चिड़िया का चूड़ा हो जाएगा घोड़ा का घोड़ा हो जाएगा बहन का भाई हो जाएगा ठीक है अब आपको बेसहा लगा कर दो मरकब अल्फाज बनाने हैं देखिए सबके लाइक के क्या होते हैं ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर ली हैं आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं चलिए आगे आ जाइए इन जुमलों में ज़माने की शानदेही करनी है अम्मा जी से कह दूँगी ठीक है बच्चों दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं ठीक है दूंगी या फ्यूचर हो जाएगा और आराम कर रहे हैं ये हाल हो जाएगा है ना यानी मुस्तकबिल और हाल आगे आ जाइए आ, दो ये सबक़ आपको दिए गए हैं दोनों में से किसी एक सबक का खुलासा लिखना है जैसे बहादुर शाह का हाथी है तो आपको बताना है कि इसकी स्टोरी क्या है नादान दोस्त है तो आपको इसकी स्टोरी बताना है यानी पूरी स्टोरी को अपने लफ्ज़ों में लिखना है उसे ही खुलासा लिखना कहते हैं अब यहाँ देखिए लिखा है किसी एक का मरकज़ी ख्याल मरकज़ी ख्याल का भी मतलब यही होता है कि ओवरऑल उस नज्म में क्या कहा गया है ठीक है आगे आ जाइए यहाँ आपको सवाल जवाब दिए गए ना इतफाक़ी को आजारे जहाँ क्यों कहा गया है श्यामा को अपने भाई के शव पर तरस क्यों नहीं आया ठीक है तो ये पूरा आपके सवाल जवाब हैं इनको आप कर लेंगे लास्ट यहाँ आपको फिर से दो सवाल दिए गए हैं कंगारू की ग़ा क्या है और हाथी की रोटी कैसी होती है तो आपको पता है कि कंगारू जो है वो घास फूस खाते हैं और हाथी की रोटी जो है वो दो तीन इंच मोटी होती है और यहाँ की बात कर लूँ तो ना इतफाक़ी को हज़ारे जहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे जान और माल दोनों का नुकसान होता है ठीक है आगे आ जाइए श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद जो ये अंडे फूटे हैं चिड़िया के ये भैया की वजह से ही फूटे हैं ठीक है तो ये आपके सवाल जवाब थे मैं आपको वैसे बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी इन पेपर से एक आध दिन पहले मैं आपको वन शॉट रिवीजन करा दूंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में वो सब आप लोगों को करा दिए जाएंगे तो ऑल द बेस्ट अच्छे से तैयारी करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग